हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक, जिसको आप कह सकते हो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। जो दूसरा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो दूसरा पार्ट है वर्णनात्मक, उसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टेंस में हम क्रियात्मक का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि काम का होना, काम का करना ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम सीखेंगे फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी पहचान कैसे करें कि वो फंक्शनल है? फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो? पहचान सीधी सी बात है कि हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप देखिए, कहीं पे आप, हो सकता है वहाँ पे ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आ गए हों, तो वो सेंटेंस फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कहने का मतलब, हिंदी के ऐसे वाक्यों में वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ना क्या है, वर्ब है। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, लिखना क्या है, वर्ब है, ता हूँ। तो ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आ जाए तो वो किस में माने जाएंगे, फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। रूल फर्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, बहुवचन नाउन, जैसे कि गर्ल्स, स्टूडेंट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। अगर ये सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, तो आपको वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए इनके साथ में, कौन से सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा रूल है कि सब्जेक्ट, अब अगर मान लो ये आई, वी, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन नहीं हो, तो और दूसरे जो नाउन होते हैं जैसे कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, तब क्या करें, तब आपको क्या करना है। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, जैसे किसी का नाम, सिंगुलर एक वचन में, ये जो सिंगुलर नाउन होते हैं ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें हो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, तो इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस और ई एस लगाना है। क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाना है। तो फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या सीखा कि यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनके साथ में यूज करो, और यदि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो, तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस लगाना है। फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है ता है, हिंदी के सेंटेंस में ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं अपन, कि नाउन में यदि एस और ई एस जोड़ देते हैं, किसी भी नाउन में एस या ई एस जोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल।
जैसे कि गर्ल्स है, क्या है ये? प्लूरल। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट्स। इसमें ये नाउन है लेकिन इसमें आपने एस और एस जोड़ रखा है, एस जोड़ा हुआ है तो ये क्या है? प्लूरल है। इसी प्रकार से गर्ल में एस जोड़ दिया तो गर्ल्स, ये प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, किसी वर्ब में अगर एस और एस जोड़ देते हो तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ने पर वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है, ये हमेशा याद रखिए। हर कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे स्पीक है, स्पीक एस डबल एस पी ई ए के, स्पीक एस पी ई ए के, स्पीक, तो ये है प्लूरल। और स्पीक क्या है? वर्ब है। अब स्पीक में एस जोड़ दें, जोड़ के देखिए, स्पीक्स एस पी ई ए के एस, स्पीक्स, तो वो स्पीक्स हो गया सिंगुलर। लेकिन अब यहाँ पे नाउन और वर्ब में यही फ़र्क है कि नाउन में एस और एस जोड़ने पर वह प्लूरल बन जाएगा और वर्ब में एस और एस जोड़ने पर वह सिंगुलर बन जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।